सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो आई होप कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आगे भी ऐसे रहेंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट के बारे में, जो कि दोस्तों आपको हमारे इंडिया और बांग्लादेश सर्वर के ऊपर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट इंक्यूबेटर बंडल के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले दिनों हमें बहुत सारे जो इंक्यूबेटर वाउचर हैं वो फ्री में यहाँ पे मिले हुए हैं, लेकिन इनका जो सही उपयोग है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे गेम के ऊपर कोई अच्छा सा इंक्यूबेटर नहीं है। तो आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन से यहाँ पे स्पेशल इंक्यूबेटर आने वाले हैं उसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो इंक्यूबेटर हैं वो यहाँ पे एक्सपायर भी होने वाले हैं अगले महीने में। तो आपको पता है कि हमारा जो नेक्स्ट इंक्यूबेटर है वो थॉमसन यहाँ पे रहेगा। तो थॉमसन के अंदर तो आप जो इंक्यूबेटर वाउचर है उसको इजीली यूज कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जब स्पेशल इंक्यूबेटर आता है तो यहाँ पे कभी कभी जो वाउचर है वो यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या सीन है, जो हमारा स्पेशल इंक्यूबेटर आएगा क्या वहाँ पे वाउचर चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, उसके बारे में दोस्तों आगे बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ब्लैक और वाइट टी शर्ट का जो इवेंट है उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे लीक्स वगैरह निकल के आई हुई है, और भी बहुत सारे इवेंट वगैरह हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई अपना जो हाइपर बुक है वो रिटर्न कब आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो गेम में जो हाइपर बुक आया हुआ था वो रैम्पेज स्पेशल था। तो अगले साल जब हमारे गेम में रैम्पेज इवेंट आएगा तभी आपको रैम्पेज का जो हाइपर बुक है वो रिटर्न में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक न्यू हाइपर बुक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक हाइपर बुक यहाँ पे इवोगन की तरह है। जैसे एक इवोगन आई फिर दूसरी इवोगन आई, तो वैसे दोस्तों अभी एक रैम्पेज हाइपर बुक आया हुआ है। इसके बाद आपको आने वाले दिनों के अंदर किसी अलग इवेंट की थीम पे नया हाइपर बुक देखने को मिलेगा। फिलहाल कौन सा आएगा वो तो भी पता नहीं चला है, तो जब भी पता चलेगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, बता दूंगा, आप लोग वेट करो। लेकिन हाँ दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट के अंदर हमारा जो नेक्स्ट ईओ बंडल है वो यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज की थीम पे आपको एक लेजेंडरी ईओ बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। अभी इसका फुल रिव्यू आना बाकी है, इसके इमोट वगैरह निकल के नहीं आए हैं। तो आप लोग दोस्तों तैयार हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कभी भी ये यहाँ पे निकल के आ सकता है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो क्या है, मैंने आपको बहुत पहले ही लीक्स दिया था कि आपको ऑल लक रॉयल यानी कि लक रॉयल के अंदर जो 10 डायमंड की स्पिन है उसका इवेंट देखने को मिलेगा, और अभी अभी मुझे पता चला है कि ये इवेंट हमारे गेम के ऊपर आ चुका है। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, इसके लिए एक लाइक तो देखो बनता ही है, क्योंकि जितने भी इवेंट वगैरह हैं मैंने आपको जितने बताए थे दिवाली में सारे के सारे इवेंट आ चुके हैं, चाहे वो गिफ्ट स्टोर डिस्काउंट हो, चाहे अपना यहाँ पे ऑल लक रॉयल हो, चाहे हमारे यहाँ पे जो भी इवेंट आप बोलो, मुझे अभी इतना याद नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं ब्लैक और वाइट टी शर्ट रिटर्न के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अपना ब्लैक और वाइट टी शर्ट कब आएगा। तो बेसिकली दोस्तों ब्लैक टी शर्ट तो बहुत जल्द रिटर्न में आने वाला है, और आपको जो है लक रॉयल सेक्शन के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह का लक रॉयल आपको देखने को बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे ब्लैक टी शर्ट वगैरह रहने वाली है, और भी कुछ रिवार्ड वगैरह यहाँ पे रहेंगे, और आप टोकन से भी जो है ब्लैक टी शर्ट को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। बात करें वाइट टी शर्ट के बारे में, तो बेसिकली दोस्तों व्हाइट टी शर्ट का इवेंट अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, मतलब अभी इसका जो है फुल कन्फर्मेशन निकल के नहीं आया है कि व्हाइट टी शर्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जो भी हो कभी ना कभी तो आपको देखने को मिल जाएगा, बट आने वाले 2-3 महीनों के अंदर तो आपको व्हाइट टी शर्ट देखने को मिल जाएगा। और व्हाइट एंजेलिक पैंट का भी सेम यही सीन है, अभी कुछ टाइम पहले ही जो है रेड एंजेलिक पैंट आई हुई है, तो लगभग 2-4 महीने के बाद ही आपको जो है व्हाइट एंजेलिक पैंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिलहाल दोस्तों ब्लैक टी शर्ट ही आने वाली है, व्हाइट टी शर्ट का भी उतना यहाँ पे कोई लीक्स वगैरह नहीं है। तो आप लोग वेट करो, अगर कुछ भी निकल के आता है तो मैं आप सभी लोगों के साथ जो है शेयर कर दूंगा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मनी मेकिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं। इस ऐप का नाम है दोस्तों दरअसल भारत ऑप्शन, और आपको इसको प्ले स्टोर से सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपको इसमें अकाउंट बना लेना है और सारी परमिशन देके पूरा अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 100 रुपये ऐड कर सकता हूँ, आप पेटीएम से भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, तो मिनिमम 100 आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है, यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। अब जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट करना होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहा हूँ कि ग्राफ नीचे जाएगा, अब देखते हैं ग्राफ कैसे जाता है। देखिए ग्राफ नीचे ही चला गया है, और देखिए मैंने यहाँ पे जीत गया हूँ मैं रुपये। सबसे खास बात यह है कि जो अमाउंट है सीधे आपकी इसमें वॉलेट में आ जाता है, वॉलेट से सीधे आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं हमने इसमें दोस्तों। तो कैसा लगा है जरूर बताइए। सो गाइस, जर्सी रॉयल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक रॉयल इवेंट यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, जो कि अपना हैलोवीन रॉयल है। 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का हैलोवीन रॉयल इवेंट आने वाला है, जिसके अंदर जो पहला ग्रैंड प्राइज है वो रहेगा यहाँ पे G36 की स्किन। कुछ इस तरह की जो लेजेंडरी स्किन है वो यहाँ पे इस रॉयल इवेंट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे
हैलोवीन का जो टेरर बंडल है, टेरर बंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और साथ ही इसका जो फीमेल बंडल है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जो इमोट है वो तो ऑलरेडी आ चुका है हमारे इमोट पार्टी इवेंट के ऊपर, और साथ ही दोस्तों आपको जो मैक 10 की स्किन है वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, और इसके अलावा कुछ हल्के फुल्के रिवार्ड और जो पुराने हैलोवीन इवेंट के रिवार्ड है वो इस रॉयल इवेंट के ऊपर रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे पम्पकिन लॉलीपॉप टोकन भी मिल जाएंगे, और इन टोकन के मदद से आप जो बंडल वगैरह है या फिर जो यहाँ पे गन स्किन वगैरह है उसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सेम टू सेम यही लक रॉयल आने वाला है, बट एक दो रिवार्ड यहाँ पे थोड़े चेंज हो जाएंगे, जैसे कि अपना इमोट हट जाएगा, कोई और चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो फिलहाल ये जो रॉयल इवेंट है सिंगापुर सर्वर के ऊपर आ चुका है, आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये जो रॉयल इवेंट है इंडिया सर्वर के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और रॉयल इवेंट यहाँ पे सिंगापुर में दिया गया है, तो इस वाले रॉयल इवेंट की थीम भी जो है हैलोवीन है, लेकिन यहाँ पे रिवर डस्ट जो पर्पल डस्ट थीम के बंडल है उसको यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे दो बंडल दिए गए हैं। बाकी जो हमारे यहाँ पे एक्समेट की स्किन है वो भी रॉयल इवेंट के ऊपर डाली गई है, और मज़े की बात यह है कि दो ही स्किन डाली गई है, चार स्किन नहीं डाली गई है हमारे यहाँ पे इनक्यूबेटर की। बाकी कुछ पुराने यहाँ पे हैलोवीन इवेंट के रिवार्ड वगैरह दिए गए हैं, तो एक्समेट की स्किन आपको इंडिया सर्वर के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी, हालांकि ये आपको रॉयल इवेंट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। एक्समेट स्किन आपको जो है इंडिया में हमारे आने वाले इनक्यूबेटर के ऊपर देखने को मिलने वाली है। तो जैसे ही हैलोवीन इवेंट हमारे इंडिया में स्टार्ट हो जाता है तो आपको हमारा जो यहाँ पे एक्समेट का इनक्यूबेटर है लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास हमारे सर्वर में देखने को मिल जाएगा। बाकी जो हमारे यहाँ पे पर्पल डस्ट थीम के बंडल वगैरह हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो इंडिया में दो रॉयल इवेंट तो नहीं आएंगे, जैसे सिंगापुर में यहाँ पे दो लक रॉयल इवेंट दिए गए हैं, इंडिया में एक ही लक रॉयल आएगा, एक ही के अंदर आपको सारे आइटम जो है यहाँ पे लगभग देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों अपना इवेंट रहने वाला है। अभी बात करते हैं जर्सी रॉयल के बारे में, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई जो जर्सी रॉयल इवेंट है वो कब तक आएगा। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आपको अक्टूबर के लास्ट में यहाँ पे जर्सी रॉयल इवेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों अभी तक अपने को कोई भी जर्सी रॉयल का जो इवेंट है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों अभी इतने इवेंट वगैरह हमारे गेम के ऊपर आ रहे हैं कि जर्सी रॉयल के आने का कोई यहाँ पे चांस निकल के नहीं आ रहा है। तो फिलहाल अभी दिवाली इवेंट खत्म हो चुका है, अभी अब आपको बुइया का ही इवेंट है यहाँ पे और हैलोवीन का जो इवेंट है वो देखने को मिलेगा। तो जर्सी रॉयल की अभी जो न्यू डेट निकल के आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि जब क्लब अमेरिका के जो आइटम वगैरह हैं, क्योंकि जो क्लब अमेरिका के बंडल वगैरह हैं वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिले, तो जिस टाइम पे क्लब अमेरिका के जो बंडल वगैरह हैं वो हमारे गेम के ऊपर आ जाएंगे तभी आपको हमारा जो जर्सी रॉयल है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले हमारा जो क्लब अमेरिका का स्काइविंग और एनिमेशन है वो आ चुका है, तो बहुत ही जल्द बंडल भी आ जाएंगे, बस आप लोग वेट करो। काफ़ी लंबा इंतजार हो चुका है मैं जानता हूँ, लेकिन दोस्तों क्या करें, आप गरीना की आदत है थोड़ा यहाँ पे अपनी हरकत दिखाने का, तो आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हो। जैसी जर्सी रॉयल की जो है कन्फर्म डेट दोबारा निकल के आती है तो मैं आप सभी लोग के साथ शेयर कर दूंगा। अभी दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट इनक्यूबेटर है वो रहने वाला है हमारे सर्वर के ऊपर थॉमसन, जो कि आपको आज रात 12 बजे के बाद देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह का इनक्यूबेटर रहने वाला है, और आप निश्चिंत हो जाइए आपके जो वाउचर हैं यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो आपके पास कितने वाउचर हैं कमेंट में जरूर मुझे बताना, अगर आपके पास 40-50 वाउचर है, 50-60 वाउचर है, तो आप इजीली जो थॉमसन की टॉप वाली स्किन है उसको यहाँ पे निकाल सकते हो। तो क्या आप निकालने वाले हो या फिर नहीं, या फिर आपके मन में ऐसा कोई विचार वगैरह है तो कमेंट में जरूर बताना। तो ये हमारा आज रात का जो इनक्यूबेटर है वो रहने वाला है, और इसके अंदर आप वाउचर भी यूज कर पाओगे। लेकिन दोस्तों स्पेशल इनक्यूबेटर भी आने वाला है। सबसे पहले तो स्पेशल इनक्यूबेटर के अंदर आपको हमारा यहाँ पे जो क्लाउन इनक्यूबेटर है या फिर जो गोल्डन क्लाउन जो भी आप बोलते हो वो क्लाउन इनक्यूबेटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 3-4 बंडल जो भी क्लाउन के हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और इस वाले इनक्यूबेटर के अंदर भी दोस्तों आप जो इनक्यूबेटर वाउचर है उसको यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि अपना जो इनक्यूबेटर वाउचर है वो नवंबर 30 तारीख तक ही वैलिड है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएंगे। अगर बाय चांस कोई स्पेशल इनक्यूबेटर नहीं आता है तो आप उसको जो है यहाँ पे थॉमसन पे ही यूज कर लेना, अगर कोई बीच में आने वाला रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो एक्समेट इनक्यूबेटर है वो भी हमारे गेम के ऊपर आने वाला है, तो एक्समेट का जो इनक्यूबेटर है उसकी जो पॉसिबल डेट है वो रहने वाली है नवंबर फर्स्ट वीक, और जो क्लोन इनक्यूबेटर है वो आपको यहाँ पे हमारे 10 नवंबर या फिर 15 नवंबर तक देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो 3 इनक्यूबेटर यहाँ पे आने वाले हैं। बाकी दोस्तों पोकर MP40 का जो इनक्यूबेटर है वो आपको इस अपडेट में देखने को नहीं मिलेगा। पोकर MP40 का जो इनक्यूबेटर है वो आपको लगभग दिसंबर मंथ तक देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ हमारी जो UMP गन का इनक्यूबेटर है या फिर UMP का जो बंडल इनक्यूबेटर है वो भी आपको जो है नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा, इस अपडेट के अंदर नहीं देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे अलग अलग इनक्यूबेटर के बारे में, तो गोल्डन सेट के कमेंट निकल के आ रहे थे, तो दोस्तों गोल्डन सेट का भी यहाँ पे इनक्यूबेटर अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि गोल्डन सेट का जो बंडल है वो यहाँ पे दिवाली विश के ऊपर दिया गया था, तो गोल्डन सेट के लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी M10 वगैरह का भी फिलहाल अभी नहीं आने वाला इनक्यूबेटर, क्योंकि वो भी अभी कुछ टाइम पहले रिटर्न में आया हुआ था। तो ये रहे दोस्तों अपने कुछ रिटर्न इनक्यूबेटर, और बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ निकल के आती है, कुछ एक्स्ट्रा निकल के आता है तो मैं आप सभी के लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं।